दुनिया भर में तबाही मचा देने वाला कोरोना वायरस भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में इस महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या 33,000 के पार हो चुकी है। इस महामारी का फैलाव समुदाय के बीच ना हो इसलिए सरकार ने 21 दिनों का पहले लॉकडाउन किया और फिर उसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया। लेकिन मोदी सरकार ने राहत पैकेज के हर योजना को अगले 3 महीने के लिए तैयार किया है। उसे इस बात की संभावना को बल मिलने लगा कि क्या ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ने वाला है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में ऐसी संभावना है कि इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं कई प्रदेशों की सरकारें कोरोना पर कंट्रोल के लिए अलग अलग फैसले ले रही हैं। केरल और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक जारी रहने के संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय ये है कि देश के ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने का सुझाव दिया। वहीं केरल ने देश भर में क्रमिक ढंग से स्थितियों की समीक्षा करते हुए चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए पूरे देश में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रखने के लिए कहा। वहीं केरल ने आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से कहा कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से ही हटाया जाए। केरल ने केंद्र सरकार से कहा कि लॉकडाउन को 30 जून तक 3 चरणों में हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि 30 जून तक प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक और सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति ना दी जाए। सरकार लॉकडाउन में जरा सा भी छूट देने के पक्ष में नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी सरकार ने लॉकडाउन में राहत नहीं देने का फैसला किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में शनिवार को उनकी कोर टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा जिलाधिकारियों का इनपुट लिया है। रमजान को देखते हुए प्रदेश सरकार किसी भी जिले में लॉकडाउन में छूट नहीं देगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति यथावत रहेगी, यानी प्रदेश में फिलहाल 3 मई तक किसी तरह से बड़ी दुकानें खुलने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत रिहायशी इलाकों में दुकानों को खोलने की राय दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने तय किया कि वो प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं देगी। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।